हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नॉर्थ से 2022 100 स्ट्रेटेजी प्लान का 18th डे, और ऑलमोस्ट आज ओबीजी जो है अपनी फ्रेश हो जाएगी। कुछ कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी से बिलोंग करने वाले एमसीक्यू, कुछ फीटल सर्कुलेशन से रिगार्डिंग एमसीक्यू, कुछ प्लेसेंटा की अबनॉर्मलिटीज के एमसीक्यू, कुछ इमेज बेस्ड एमसीक्यू आज के सेशन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। आई होप कि डेफिनेटली आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक बार क्लास को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा इस इम्पोर्टेंट सेशन को, और ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। ओके फाइन, आज के सेशन को कैरी ऑन करने से पहले, हमेशा की तरह जीतने की इच्छा सभी में होती है, जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने की तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। ये सच है। सुबह उठ के मन करता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं वर्ल्ड कप जीत लूं, मैं ये कर लूं, मेरे पास वो मर्सिडीज होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूं। ये बातें करने वाले लोग मार्केट में बहुत है, और सपने दिखाने वाले भी बहुत है, और सपने को हकीकत में बदलने के लिए साथ कोई नहीं देता। तो मेरी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को यही राय है कि जीतने की इच्छा सभी में होती है, हर कोई इंसान जीतना चाहता है, और इस हार जीत की दौड़ में नुकसान भी बहुत होता है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। यदि जिसने तैयारी कर ली तो जरूर जीतेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब क्रिकेटर मैदान पे आके चौके छक्के बरसाता है ना, वो कोई एक दिन की तैयारी नहीं होती है, वो उसके कई सालों की मेहनत होती है, और कई सालों की मेहनत से जब आपके सामने रिजल्ट दिखता है तो हम उसकी वाहवाही करते हैं, क्योंकि उसने जीतने की तैयारी बहुत पहले से की है। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने की तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिसने कर ली वो जीत गया, वो जीत गया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, आज के सेशन को कैरी ऑन करें, जहां पर सेशन में पहला एमसीक्यू आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, और ध्यान से देखिएगा। द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द फूड, ध्यान से देखिएगा बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द फूड सजेस्ट दैट बेबी इज लाइकली टू हैव। मैंने एक अम्बिलिकल कॉर्ड का एक एबनॉर्मलिटीज का फोटो यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहे, और शुक्रिया जेएल यादव, कि एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द कोड, कोड के अंदर यदि एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, दैट द बेबी इज लाइकली टू हैव एरब्स पाल्सी, लाइक इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, लाइक कंजेनाइटल डिफेक्ट, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कोई आंसर पुट करने की कोशिश करना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द कोड सजेस्ट दैट बेबी इज लाइकली टू हैव, क्या हो सकता है, क्या बेबी को एबनॉर्मलिटीज हो सकती है यदि इस तरह की कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज आपको मिल रही है, क्योंकि ब्लड वेसल्स है वो एबनॉर्मल है, और वो कहाँ है, कोड में, अम्बिलिकल कोड में, तो बच्चे को क्या डिफिकल्टीज हो सकती है, एरब्स पाल्सी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, या मेरे बच्चों रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पहली बात तो एरब्स पाल्सी का कॉज हमेशा नर्व इंपेयरमेंट होगा, या नर्व नर्व डैमेज होगा, तो हम एरब्स पाल्सी तो नहीं बोल सकते। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का कॉज बच्चों आरएच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी होता है, आरएच इनकॉम्पैक्टिबिलिटी होता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और आपके पास कंजेनाइटल डिफेक्ट, दो आंसर बचे, बट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने यहाँ पर सी आंसर लिखा है। क्या बात है, बहुत सही आंसर, सी जिन्होंने लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, दैट इज अ कंजेनाइटल डिफेक्ट। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ आपको, प्रेजेंस ऑफ ओनली टू ब्लड वेसल्स इन द कोड में इंडिकेट रीनल मालफॉर्मेशन ऑफ द फीटस। मैंने क्या कहा, अबनॉर्मल ब्लड वेसल्स मतलब डेफिनेटली नॉर्मल तो नहीं होगा, और यदि एटलीस्ट जो है दो ब्लड वेसल्स भी कोर्ट में प्रेजेंट है, दो ब्लड वेसल्स भी कोर्ट में प्रेजेंट है, दैट मीट इंडिकेटिंग समथिंग अबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज, और वहां पर कॉमनली जो है रीनल माल फॉर्मेशन का प्रेजेंस होना इंडिकेट करता है, रीनल माल फॉर्मेशन। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इजी था, इजी टू रिमेंबर था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यहाँ एक मैं कुछ इमेज भी आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा फोकस करना, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बच्चों क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर, थैंक यू अर्चना, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अनिलम, हाँ थोड़ा सा हल्का जुकाम है, बट आप जब सामने हो तो कुछ भी दर्द और तबीयत का कोई इश्यू नहीं होता है। आई ऑलवेज
आई ऑलवेज डू समथिंग फॉर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स. बिल्कुल सही. प्लेसेंटा अटैच मोर फर्मली टू यूट्रस एंड बिकम अबंडेंट इन ऑर्गन मसल वॉल. क्वेश्चन क्या कहता है, आपका जो प्लेसेंटा है, खेल है कि प्लेसेंटा अटैच का, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा के ऊपर एक एमसीक्यू है. प्लेसेंटा अटैच मोर फर्मली टू यूट्रस एंड बिकम अबंडेंट ऑर्गन मसल वॉल. क्या हम इसको प्लेसेंटा एक्रेटा कहते हैं, क्या हम इसको प्लेसेंटा इनक्रेटा कहते हैं, क्या हम इसको प्लेसेंटा परक्रेटा कहते हैं, क्या हम इसको प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियालिस कहते हैं. बच्चों चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. यदि आपको सही आंसर नहीं पता है, यदि आपको सही आंसर नहीं पता है तो बच्चों गलत मत लिखना, गलत मत लिखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. थैंक यू कंचन, गलत मत लिखिएगा. वी हैव फोर ऑप्शन. प्लेसेंटा अटैच मोर फर्मली टू यूट्रस. सपोज ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है, ये आपका सर्विक्स है, ये सर्विक्स है, और दिस इज द प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा. इट विल बी मोर फर्मली अटैच. मैंने यहां पर पुट किया है मोर फर्मली अटैच टू द यूट्रस एंड बिकम अम्बेडेड इन द ऑर्गन मसल वॉल. इस कंडीशन क्या, मैं आपको चारों का मीनिंग बताने वाला हूं, आपको चारों का मीनिंग बताने वाला हूं विथ इमेज बताने वाला हूं. यदि नहीं पता होता मेरे बच्चों, आप वेट करना, वेट करना, ये डाउट क्लियर करूंगा मेरे बच्चों का. पहले आपने आंसर पुट किया, मैं बता देता हूं प्लेसेंटा इनक्रेटा. अब ये अबनॉर्मलिटीज क्या, ध्यान से देखना, सारा खेल अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा पे. इस पिक्चर को देखना बच्चों, मैंने यहां इमेज पुट किया है, मैंने एक तरफ लिखा है नॉर्मल, एक तरफ लिखा है नॉर्मल, फिर मैंने लिखा है एक्रेटा इनक्रेटा परक्रेटा. तीनों अबनॉर्मलिटीज आपको दिख रहा है. सबसे पहले लिखा प्लेसेंटा एक्रेटा. एक्चुअली एक्रेटा जो है where the placental blood vessels attach to the deeply to the uterine wall. ये दिख रहा placenta, और इस placenta की जो blood vessels है that will be attached into the uterine wall. यहाँ जो placenta की blood vessels का जो attachment दिख रहा, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो placenta की blood vessels का जो attachment दिख रहा है that attach deeply to the uterine wall. आप देखोगे almost जो है ये pink वाला जो area दिख रहा है, this is your uterine wall, और ये वाला जो area दिख रहा है आप देख सकते हो, दोनों में डिफरेंस देखिए, ये बहुत ही नैरो है, ये ब्रॉड है. तो यहाँ क्या हुआ, प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स का अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट हुआ. ये कंडीशन कहलाता है प्लेसेंटा एक्रेटा. क्या कहलाता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, प्लेसेंटा एक्रेटा. एक बार फिर से देखिएगा, ये नॉर्मल प्लेसेंटा का अटैचमेंट ऑन द यूट्राइन वॉल. दूसरी पिक्चर में पेशेंट के यूट्राइन वॉल बोल सकते हैं मेरे बच्चों, यूट्राइन वॉल पे ब्लड वेसल्स का जो अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ गया, इस कंडीशन को हमने कह दिया प्लेसेंटा एक्रेटा. बट प्लेसेंटा इनक्रेटा, प्लेसेंटा अटैच मोर फर्मली. यहाँ थोड़ा बहुत अटैच हुआ बट यहाँ बहुत ज्यादा हुआ, ऑलमोस्ट पूरा यूट्राइन वॉल कवर कर ले. इन दोनों को देखिएगा, यहाँ पर लिटिल बिट अटैचमेंट है बट बहुत फर्म अटैच, यहाँ पूरा यूट्राइन वॉल कवर कर लिया. दैट कंडीशन वी कैन से प्लेसेंटा इनक्रेटा. और मेरे बच्चों प्लेसेंटा परक्रेटा, प्लेसेंटा अटैच इटसेल्फ ग्रो थ्रू द यूट्रस एंड पोटेंशियली टू नियर बाई ऑर्गन सच एज ब्लैडर. तीसरी पिक्चर में आप देखोगे पूरा यूट्राइन वॉल तो इसने कवर कर लिया बट ये अदर ऑर्गन तक रीच कर रहा है, यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंच गया मेरे बच्चों, मतलब ये यूट्रस से बाहर निकल गया. इसका अटैचमेंट आप देखोगे यूट्रस से बाहर निकल गया. दैट कंडीशन वी कैन से परक्रेटा, दैट कंडीशन वी कैन से परक्रेटा. परक्रेटा में से याद रखना दैट कैन क्रॉस यूट्राइन वॉल, कैन क्रॉस यूट्राइन वॉल. फिर से देखना, थैंक यू साधना, फिर से देखना. नॉर्मली प्लेसेंटा का अटैचमेंट यूट्राइन वॉल पे, ये आप सबको पता है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस में होता है, दैट एवरीबॉडी नो वेरी वेल. दूसरा, सबसे पहले प्लेसेंटा एक्रेटा, मैंने कहा था कि अटैचमेंट है बट दैट विल बी वेरी फर्म है, बहुत कम है. बट इनक्रेटा में फर्मनेस बढ़ जाता है, अटैचमेंट बढ़ जाता है और यहाँ जाकर के अबंडेंट हो जाता है ऑर्गन और मसल वॉल. तीसरी में मैंने लगा परक्रेटा जो है ऑलमोस्ट जो है यूट्रस का वॉल क्रॉस करके अदर ऑर्गन तक पहुंच जाता है. दीज आर द थ्री सब अबनॉर्मलिटीज. इट्स ओके अनिल कुमावत, मेरा बच्चा अनिल कुमावत, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीबीएसआर. ग्रेट फाइटर है अनिल, बहुत मेहनत की, और मैं हमेशा कहता हूँ कि साइकिल से फ्लाइट पे, ये मेरा बच्चा बेस्ट एग्जाम्पल है उसका, अनिल कुमावत, जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी बट इस बच्चे ने बहुत मेहनत की, ऑफलाइन पढ़ के बहुत शिद्दत से मेहनत की, बहुत हॉनेस्टी के साथ इन्होंने हार्डवर्क किया अनिल ने, और आज बैक टू बैक 3 से 4 सिलेक्शन इन्होंने लिए, अपने मनपसंद जगह पे ही अभी वर्किंग है. रिसेंटली अनिल की शादी हुई है,
इनवाइट किया था, बट कुछ परिस्थिति की वजह से मैं नहीं जा पाया। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है। आई रियली प्राउड ऑफ यू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स टू नर्सिंग ऑफिसर। आपने जो जर्नी तय की, आज आप जब आते हो फ्लाइट में तो दिल को जो सुकून मिलता है महसूस करने वाला जानता है ना। तो मैं चाहता हूँ ऐसे कई अनिल जो है जेएनसी से निकले, अपने सपने को पूरा करें। तो आज आप ऑनलाइन आए और आपको देख के बहुत खुशी हुई बेटा। हमेशा जिंदगी में आप ऐसे आगे बढ़ो और जिंदगी में हो सके तो जितना अच्छा करो, अपने नॉलेज को और बढ़ाओ और लाइफ में अब इंजॉय करो, क्योंकि आपने वो अचीव किया जो हर किसी का सपना होता है। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन अनिल, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टू नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। ओके फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट मूव ऑन करते बच्चों। नेक्स्ट में लिखा कि आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल वेन कोलैप्स्ड। एक्चुअली यहाँ कुछ वेरिएशन आपने देखा होगा कि फीटल सर्कुलेशन अलग होता है और अडल्ट का सर्कुलेशन अलग होता है। तो नॉर्मली बर्थ के बाद जो है, बर्थ के बाद काफी चेंजेस आते हैं। तो एक एमसीक्यू मैं आपने पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड 4 से 5 वो क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हियर यू कैन सी, मैंने लिखा है कि आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल वेन कोलैप्स्ड एंड फॉर्म लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लिगामेंटम वेनोसम, फोसा ओवलिस और लिगामेंटम टेरिस। क्विक आंसर पुट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, आदित्य बहुत सही आंसर। चार ऑप्शन है आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल वेन जो है दैट कोलैप्स टू फॉर्म, क्या बनाती है जब ये कोलैप्स होने के बाद क्या बनेगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया। क्विक आंसर लिखिएगा, क्विक आंसर लिखिएगा। शुक्रिया प्रिया, आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है नॉर्सेट में। शुक्रिया अनिल, नॉर्सेट में एमसीक्यू बनता है। आफ्टर बर्थ अम्बिलिकल वेन कोलैप्स एंड फॉर्म व्हाट व्हाट काइंड व्हाट थिंग विल फॉर्म। थैंक यू दीपा। बच्चों ने आंसर डी लिखा, डी को लॉक कर दिया जाए, डी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, लिगामेंटम टेरिस, एब्सोल्युटली राइट आंसर। एक्चुअली ये वेरिएशन जो है, मैं आफ्टर बर्थ में जो क्या क्या चेंजेस कॉमनली फाइंड आउट होते हैं, मैं एक इंडेक्स के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि एमसीक्यू नॉर्सेट यहाँ पर पूछेगा, नॉर्सेट यहाँ पर पूछेगा। आप ध्यान से देखना, एक तरफ मैंने क्या मेंशन किया है, एक तरफ मैंने लिखा फीटल स्ट्रक्चर बिफोर बर्थ, मतलब बच्चा जब मदर के यूट्रस में होता है उन स्ट्रक्चर का नाम लिखा है। दूसरी तरफ लिखा मैंने नियोनेटल स्ट्रक्चर आफ्टर बर्थ, बच्चे का जिसे जन्म होता है, बच्चा जब बॉर्न होता है, बॉर्न होने के बाद वो न्यू बॉर्न दैट्स अर्ली नियोनेट कहलाता है, और उसके अलावा दैट वी कैन से लेट नियोनेट भी हम कहते हैं। तो 0 से 7 डेज को हम लोग न्यू बॉर्न या अर्ली नियोनेट, और 7 से 28 डेज को हमने लेट नियोनेट कहते हैं। बट ये चेंजेस जो है आफ्टर बर्थ आता है। तो जब बच्चा मदर के यूट्रस में ग्रो अप कर रहा होगा उसमें क्या क्या फीटल के स्ट्रक्चर्स होंगे, और बच्चा जब बर्थ होने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे। यहां मैंने कहा फोरामिना ओवली, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा। फोरामिना ओवली जो है ऑलमोस्ट जो है, जैसे ही स्ट्रक्चर आपका बदलता है तो फोसा ओवलीस बन जाता है। एग्जाम पे पूछा जा सकता है बच्चों, फोसा ओवली था फोरामिना ओवली। एक्चुअली पता होगा बिटवीन टू एट्रिया माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपका जो एक ओपनिंग होता है उसको फोरामिना ओवली कहते हैं, जो कन्वर्ट हो जाता है फोसा ओवलीस। अम्बिलिकल वेन मैंने आपको एमसीक्यू जो पूछा था अभी आपके इस क्वेश्चन में, अम्बिलिकल वेन जो है वो बना लेता है लिगामेंटम टेरिस। ये क्वेश्चन ही मैंने आपको अभी पूछा था, यही एमसीक्यू अभी आपको पूछा था बच्चों। इट्स ओके सोना, लव यू टू माय डियर अर्चना, थैंक यू। डक्टस वीनोसस, डक्टस वीनोसिस जो है लिगामेंटम वीनोसम बनता है, और डक्टस आर्टेरियोसम जो है लिगामेंटम आर्टेरियोसम बनता है। तो ये ऑलमोस्ट वो लिगामेंटम का फॉर्मेशन होता है आफ्टर बर्थ होता है। तो इस चारों में से कोई भी एक एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है, और यहां मैं लिख देता हूं बच्चों, ये नॉर्सेट का एमसीक्यू है, यहां मेंशन कर रहा हूं नॉर्सेट, नॉर्सेट 2022 में एक एमसीक्यू यहां से आपको पूछा जा सकता है, एक एमसीक्यू यहां से आपको पूछा जा सकता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इट्स ओके प्रीति, थैंक यू मेरा बच्चा। तो 4 ऑप्शन मैंने पुट करने के बाद आपके सामने 4 एमसीक्यू सॉल्व किए। फोरामिना ओवली जो है फोसा ओवली बनता है, अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टेरिस, डक्टस वीनोसस जो है वो लिगामेंटम वीनोसम बनता है, और डक्टस आर्टेरियोसम जो है वो लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो लिगामेंटम जो है वो ऑलमोस्ट दैट वी कैन से आफ्टर बर्थ जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो ये फॉर्म होता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाने से पहले एमसीक्यू बैच की इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ।
नॉर्सेट का जो नॉर्सेट क्रैकिंग बैच है, जहां मैंने 11th लाइव एमसीक्यू क्रैश कोर्स लिखा हुआ है। ये बच्चों 91 डेज का बैच है, और इस 91 डेज के बैच का जो प्राइस है 94999 है। ये थियोरी प्लस एमसीक्यू है बच्चों, जिसमें बेसिक के साथ एनक्लक्स पैटर्न के सारे क्वेश्चन विद रैशनल। 12 जून को ये क्लास स्टार्ट होगा, 12 जून को जो है ये क्लास स्टार्ट होगा, और ऑफर अभी लिमिट है। आप सीधा इस कोर्स को बाय करना चाहते हो तो आप जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी से लॉग इन करें और इस कोर्स को बाय कर सकते हो बच्चों। इट्स ओके, थैंक यू एवरीवन। आप 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। सिंपल है, जिसमें 91 डेज का शेड्यूल है, और ये ऑलमोस्ट नॉर्सेट क्रैकिंग, नॉर्सेट से पहले का इंपॉर्टेंट ये बैच आपके लिए होगा। शुक्रिया नैना शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, एमसीक्यू पूछ रहा है कि व्हाट स्ट्रक्चर इन अ फीटल सर्कुलेशन प्ले ए रोल इन अ शंटिंग ब्लड अवे फ्रॉम द लंग्स। मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक्चुअली क्या है, अपना क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है फीटल सर्कुलेशन का जो रोल प्ले करता है शंटिंग ब्लड अवे फ्रॉम द लंग्स, जो लंग से ब्लड को अवे, लंग से जो ब्लड को दूर लेके जा रहा है। इट्स ओके अनु, लंग से जो ब्लड को दूर लेके जा रहा है। मैंने लिखा कि व्हाट स्ट्रक्चर इन द फीटल सर्कुलेशन प्ले ए रोल इन अ शंटिंग ब्लड अवे फ्रॉम द लंग्स। क्या हम डक्टस आर्टियोसस को बोल सकते हैं बच्चों, डक्टियोसस आर्टियोसस को बोल सकते हैं, क्या डक्टस वीनोसस बोल सकते हैं, क्या अम्लाइकल आर्ची और फोरामिना ओवली, क्या मेरे बच्चों अम्लाइकल वेन। अब आपको क्या करना है बच्चों, सेलेक्ट करना, अब आपको क्या करना है सेलेक्ट करना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यार, डेफिनेटली रुकुनी एनी नेग, थैंक यू माय डियर। अब आप फाइंड आउट करिएगा, आप फाइंड आउट करिएगा। मैंने लिखा कि सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर रहना है बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमें प्रिपेयर रहना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और अच्छा, इस किसी भी तरीके की फालतू रूमर्स पे भरोसा मत करिएगा, और आपका एक बात तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मोनिका ऐसा कुछ भी होता तो जेएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जरूर अनाउंस होता, ये फालतू के काम नहीं है बेटा जेएनसी का, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ये अटेंशन सिकिंग लोग होते हैं जो कुछ भी माहौल क्रिएट करते हैं ताकि बच्चों में एक डर पैदा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्सेट की वैकेंसी आएगी, नॉर्सेट का एग्जाम रिटर्न होगा, जो पढ़ेगा वो जीतेगा, जो पढ़ेगा वो जीतेगा। शुक्रिया प्रिया, जो पढ़ेगा वो जीतेगा बच्चों। मैंने क्विक आंसर लिखी है, विच इज द राइट आंसर, डक्टस आर्टियोसस लिखा है, डक्टस वीनोसस लिखा है, अम्बिलाइकल आर्टरी लिखा है, फोरामिन ओवली लिखा, अम्बिलाइकल वेन लिखा है। आप मुझे सेलेक्ट करके बताइए कौन कौन से वो इंटरवेंशन जो है विच इज बिलोंग, वो यहाँ इससे कनेक्टेड है, बिलोंग कर रहे बच्चों। बच्चों ने सी लिखा है, कुछ ने ए लिखा है, बड़ा मिक्स आंसर आ रहा है। ओके फाइन, बिल्कुल बिल्कुल, ए एंड डी आपका राइट आंसर है, ए एंड डी दैट इज अ राइट आंसर, और ए एंड डी जिन्होंने लिखा है दैट इज अ राइट आंसर। यहां पर मैंने ए एंड डी पुट किया हुआ बच्चों। द डक्टस आर्टियोसस एंड फोरामिना ओवल स्ट्रक्चर दैट हेल्प टू ब्लड फ्लो बाईपास और शंट अवे फ्रॉम द लंग्स। डेफिनेटली डक्टस आर्टियोसस का मेन रोल प्ले होता है, और साथ साथ में जो है वो फोरामिना ओवली, क्योंकि फोरामिना ओवली जो है ऑलमोस्ट इट विल बी लोकेटेड बिटवीन टू एट्रियम, बिटवीन टू एट्रियम। बिल्कुल सी जिन्होंने लिखा है, एब्सोल्युटली राइट आंसर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इन विच कंडीशन द अम्बिलाइकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जाम। विच कंडीशन, कौन सी कंडीशन है जहां पर अम्बिलाइकल कॉर्ड जो है वो अटैच होता है मार्जिन, मार्जिन कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। थोड़ा सोच के आंसर देना बच्चों, मैं कोर्ड और प्लेसेंटा दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया महेश, थैंक यू सो मच। बिजरनिया, थैंक यू सो मच। इन विच कंडीशन अम्बिलाइकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू, अम्बिलाइकल कॉर्ड अटैच्ड टू मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा बच्चों कौन सी कंडीशन, क्या देखिए बैटलडोर प्लेसेंटा, क्या सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, क्या प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिसे, और क्या वेलमेंटोस प्लेसेंटा। बहुत मजेदार एमसीक्यू है, मैं
इसकी इमेज भी आपको पुट करने वाला बच्चों, बच्चे बैटल डोर पे जा रहे हैं, बच्चे जो है वो बैटल डोर पे जा रहे हैं। आई वॉज पुटेड हियर इन विच कंडीशन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, वो कौन सी कंडीशन है जहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा के मार्जिन पे अटैच होता है, प्लेसेंटा के मार्जिन पे अटैच होता है। आप उस कंडीशन का नाम लिखिएगा। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन ZINC जोधपुर, शुक्रिया एवरीवन। क्विक आंसर, बैटल डू प्लेसेंटा, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनिसा, और दैट वी कैन से विलामेंटस प्लेसेंटा। क्विक आंसर, यहां आपका आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, जिन्होंने बैटल डोर लिखा है। मैं शो करना चाहता हूं एक्चुअली पिक्चर इसका, आप ध्यान से देखिएगा, ये बैटल डोर प्लेसेंटा है। ऑलमोस्ट जो है सेंटर में आपने देखा होगा अटैचमेंट जो है अम्बिलिकल कॉर्ड का सेंटर होता है, बट यहाँ पर मार्जिन पे, यहाँ पर आप देखोगे अटैचमेंट जो है वो मार्जिन पे, और इसी को कहते हैं बच्चों बैटल डोर प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? बैटल डोर प्लेसेंटा। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेटिव क्वेश्चन, इट मे बी आस्किंग अगेन, ये पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट हो सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है। और नॉर्सेट का फेवरेट एमसीक्यू बच्चों, ओबीजी का, क्योंकि नॉर्सेट में जो है ना ओबीजी से बहुत मोहब्बत करता है, काफी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और मैं हमेशा कहता हूं एमसीक्यू कोई आसान नहीं होता, पढ़ने वाला बच्चा उसको आसान बना देता है। नहीं पढ़ने वाले के लिए यदि पूछेंगे ना, व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस, बाहर आके क्या बोलेगा पता है? अरे यार पेपर तो मेरे लेवल का ही नहीं था, तो पहले तो लेवल तो बना, है ना। कई बार ऐसा मैंने भी देखा है, कभी कभी एग्जाम के बाद बच्चे कहते हैं कि सर पेपर का तो लेवल ही नहीं था। हाउ कैन यू डिसाइड यार लेवल नहीं था? आपको आता है क्या जो पेपर में लिखा हुआ है? यदि आपको आता है तो आपको सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। यदि आप लेवल चेक कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तुरंत नॉर्सेट में जाना चाहिए, आपको थोड़ा और स्ट्रगल करना चाहिए। ये कई बार एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद बच्चों के व्यू होते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नहीं पढ़ते हैं, जो फोकस नहीं होते, जो गोल ओरिएंटेड नहीं होते, जो सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए पढ़ते हैं। एक बात का ध्यान रखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जितनी आपके एफर्ट्स होंगे ना रिजल्ट भी उतना ही मिलेगा, जितनी आपकी मेहनत है ना आउटपुट भी उतना ही मिलेगा। कई बार बच्चे साइकोलॉजिकल सपोर्ट लिए ऑनलाइन कोर्स लेके रखते हैं, कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, कोर्स को पढ़ने से सिलेक्शन होता है। बातों से शादियां थोड़ी होती, कार्ड भी छपाना पड़ता है, गेस्ट भी बुलाना पड़ता है, स्वीट भी बनानी पड़ती है, डेकोरेशन भी करना पड़ता है, गहना करवाना पड़ता है, रिलेटिव्स को बुलाना पड़ता है, तब जाके शादी होती है। इसलिए हमेशा जिंदगी में इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि जो कहा ना वो करके दिखाना है, जो कमिटमेंट खुद से किया ना वो पूरा करके दिखाना है, जो वादे अपने आप से किए ना वो पूरे करके दिखाना। हमें किसी और को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना मेरे बच्चों, हमें अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए पढ़ना है। व्हेन वी सेटिस्फाइड विद आवर हार्ड वर्क ना वी गेट सिलेक्शन। दूसरों को खुश करते करते जिंदगी में चले जाएंगे भगवान के पास। इसलिए जो भी कर रहे हो, फिर से कह रहा हूं, जो भी कर रहे हो खुद के लिए करो, बहुत कम वक्त है, बहुत अच्छा कर सकते हो। हमें सिर्फ 10 से 12 घंटे के स्टडी की जरूरत है आने वाले 3.5 मंथ में। दुनिया बदलेगी और मेरे बच्चे फ्लाइट से साइकिल से फ्लाइट में जाते हुए मुझे दिखेंगे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहा हूँ, फलाना टर्मिनल टू फलाना टर्मिनल, आई वॉन्ट टू सी यू, रियली आई वॉन्ट टू सी यू। बस इस 3.5 मंथ में इस खोपड़ी को ठंडा रखना, किसी भी सिचुएशन में इसको हिलने मत देना, पैनिक मत होने देना। मैं तो कहूं आपकी लाइफ में कोई भी हैपनिंग होती है तो खुद को सेक्रीफाइस करना और इसको जितना हो सके कूल रखना, एंजियस मत होना, हाइपर एक्टिव मत होना। सेकेंड थिंग, हेल्थ का विशेष ख्याल रखिए बच्चों, खाना प्रॉपर खाइएगा, डाइट अच्छी लीजिएगा। अभी हमारे पास 3.5 मंथ है, डाइट अच्छी होगी तो हमें उस एनर्जी को लास्ट में यूटिलाइज कर लेंगे। तो पहला खुद को कूल और काम रखना है, सेकंड डाइट अच्छी लीजिएगा, थर्ड नींद अभी पूरी लीजिएगा। आपको बता रहा हूं अभी हमें ज्यादा जगने की जरूरत नहीं है, अभी कम से कम 6 से 8 घंटे आपको सोना है, 6 से 8 घंटे आपको सोना, नींद पूरी करना। अपने पास बहुत टाइम होता है मेरे बच्चों, नींद पूरी करना है। अभी नींद पे जब जगने का टाइम होगा तब मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। 3 चीजें ये हो गई। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी और को देख के पैनिक मत होना कि यार उसने 2 बुक पढ़ ली, उसने 2 बार पढ़ ली, उसने 4 बार कोचिंग कर ली। ना मेरा बच्चा, ना, आप जो कर रहे हो ना वो किसी ने नहीं किया, और आप जो करने वाले हैं ना वो भी शायद किसी ने नहीं किया। आपको ये सोच के पढ़ना है, कॉम्पिटिशन हमारा खुद से है ना।
ये मैं एक एक्सपीरियंस बात आपको बताता हूँ। मुझे बहुत बार कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर आपके मुंह से कभी किसी कोचिंग की या किसी टीचर की हमने बुराई नहीं सुनी। मेरे पास वक्त ही नहीं बेटा, मुझे ये सब सोचने का वक्त ही नहीं है, मुझे ये शब्द मेरे जवान पे लाने का वक्त ही नहीं है, मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, मुझे अपने हार्डवर्क से ही फुर्सत नहीं है, मैं अपने काम को करा मुझे उसमें टाइम कम पड़ रहा है, तो ये सब चीजें सोचने का मेरे पास टाइम नहीं है। और भगवान करे कभी भगवान ऐसा सोचाए भी नहीं, सब बहुत अच्छा करते हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको भी यही कह रहा हूँ कि पॉजिटिव रहना है, दुनिया को खुश मत करना, 50 तरह की बातों को सोच के परेशान मत होना। मिलेंगे नॉर्थ सेट के सिलेक्शन के बाद ब्लैक वाले गुलाब जामुन के साथ, उस दिन शेयर करेंगे स्ट्रगल, उस दिन एक दूसरे को बताएंगे कि सच में सर मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया। अभी चुप रहना है और अपने स्टडी पे ध्यान देना है, किसी को जताने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसलिए अपने आप को कैरी ऑन करिएगा, माय लविंग फ्यूचर नसीब ऑफिसर। नेक्स्ट एक और एबनॉर्मलिटीज मैंने लिखा, दिस अ वेल मेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा, कोट दैट इंसर्शन इनटू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा। यहाँ पर आप देखोगे पहले वाला जो है वो नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ पर कॉर्ड देखोगे ये इंसर्ट हो रखा है, एक्सपोज इन द अम्बिलिकल वेसस इंसर्ट हो रखा है, और जिसकी वजह से जो है एज जो है वहां पर रीच कर रहा है, बट इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज, एज से थोड़ा डिस्टेंस पे है, दैट कंडीशन वी कैन से वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके फाइन। मैं ऑफलाइन कोर्स के बारे में आपको शॉर्टली बता देता हूँ। ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बैच चल रहा है, ऑफलाइन बैच चल रहा है बच्चों, और जिसका टाइम जो है 2:30 PM से 7:30 PM तक का टाइम है, और ये 6 मंथ का बैच है बच्चों, 6 मंथ का बैच है, 30 डेज में 30 डेज क्लास है, ऑफलाइन बैच है, और एवरी ट्यूजडे को वीकली टेस्ट भी है। तो थ्योरी पढ़ना चाहता बच्चा तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें, ऑलरेडी बैच रनिंग है। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन इज नॉट प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा, नॉट सेट का एमसीक्यू बच्चों, और ये पहले भी आ चुका है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्सेट का एमसीक्यू है कि वो कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस नहीं करता, जो प्लेसेंटा जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस, नॉट प्रोड्यूस मतलब बाकी सारे हार्मोन प्लेसेंटा से आएंगे, बाकी सारे हार्मोन प्लेसेंटा से आएंगे बट दैट नॉट प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा। क्या बच्चों हम टेस्टोस्टेरोन को बोल सकते हैं? क्या बच्चों हम टेस्टोस्टेरोन को बोल सकते हैं? क्या बच्चों हम ईस्ट्रोजन को बोल सकते हैं? क्या मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हम प्रोजेस्टेरोन को बोल सकते हैं? क्या मेरे बच्चों हम HCG को बोल सकते हैं? शुक्रिया प्रीति, क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना। मेरा एमसीक्यू आपसे कि कौन सा वो हार्मोन है जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस नहीं करता, प्लेसेंटा प्रोड्यूस नहीं करता, वो आपको आंसर लिखना। बच्चों ने टेस्टोस्टेरोन पे जबरदस्त आंसर देने लगा था कि सर टेस्टोस्टेरोन होगा, तो आप क्विक आंसर पुट करने की कोशिश करना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ए आप लिख रहे हैं, ए आप लिख रहे हैं, बिल्कुल ये टेस्टोस्टेरोन जो है दैट कम इन फ्रॉम द मेल, और स्पेशली मेल के टेस्टिस से ये आता है, दैट वी कैन से टेस्टोस्टेरोन, it will helping to build up making the male reproductive organ, that is a testosterone. Bilkul sahi answer likha bachcho aapne. Next question kehta ki the transmission of infection from mother to the fetus through placenta, again important hai, matlab question kya pucha hai, dhyan se sunna bachcho, question kya pucha hai ki the transmission of infection from mother, mummy se bacche ko placenta ke through usko hum kya kehte hain, matlab mother ko koi infection hai, मदर को इन्फेक्शन जो है वो प्रेजेंट है, बट वो आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो रहा है फीटस को। आप इन्फेक्शन को कहेंगे तो मैं इन्फेक्शन का नाम पूछें, जैसे आपने सुना है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को जाता है ना, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को जाता है ना, ऐसे ही MCQ मैंने यहाँ पर पूछा है कि वो कौन सा इन्फेक्शन है दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू द फीटस टू द प्लेसेंटा, इस टर्म एज क्या हम उसको इट्रोजेनिक बोलते हैं, क्या हम उसको इट्रोजेनिक बोलते हैं, क्या हम उसको टेरेटोजेनिक बोलते हैं, और क्या हम उसको नोसोकोमियल बोलते हैं, क्या हम उसको फॉर्माइट्स बोलते हैं? क्विक आंसर मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थोड़ा कॉमन सेंस बच्चों प्लीज, थोड़ा कॉमन सेंस। मैंने वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं पूछा रे बच्चों, वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं पूछा, मेरा MCQ ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ, मैं सीधा पूछना चाहता हूँ कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा इज टर्म्ड,
मतलब मदर से प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को ट्रांसफर होने वाले इन्फेक्शन को हम कौन सा इन्फेक्शन कहते हैं। हाँ रूबेला ठीक लिखा, बट मैंने इस जो चार ऑप्शन दिए मुझे, आप इसमें से आंसर पुट करने की कोशिश करिएगा। ऑलमोस्ट बच्चों ने लिखा कि सर ये टेरेटोजेनिक है, कुछ बच्चों ने इट्रोजेनिक लिखा है। देखिए नोजोकॉमियल नहीं होगा, नोजोकॉमियल को बच्चों हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। नोजोकॉमियल जो है उसको हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड जो है वो इन्फेक्शन हम कहते हैं, दैट इज अ नोजोकॉमियल। और इसमें भी आपको पता है कि मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है यूटीआई, जिसको मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। और शाबाश शाबाश मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, टेरेटोजेनिक, बहुत बढ़िया, सुपर पार्टिसिपेशन, बिल्कुल हम टेरेटोजेनिक कहते हैं। बिकॉज इथ्रोजेनिक क्या, ध्यान से समझिए, इथ्रोजेनिक का मीनिंग समझना है, वो इलनेस दैट कॉज्ड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। हम किसी पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन यदि कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होता है वो इथ्रोजेनिक कहते हैं। मतलब मेरे बच्चों ये एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यदि कोई इन्फेक्शन पेशेंट को स्प्रेड हुआ है, दैट काइंड ऑफ इन्फेक्शन वी कैन से इट्रोजेनिक। इट्रोजेनिक, टेरेटोजेनिक, टेरेटो मतलब मदर टू फीटस, मदर टू फीटस किसके द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, वो प्लेसेंटा के द्वारा, वो प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इन्फेक्शन वी कैन से क्लियरली वी कैन मेंशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टेरेटोजेनिक। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इट्रोजेनिक क्या होता है, टेरेटोजेनिक क्या होता है। और ये टेरेटोजेनिक वर्ड बहुत कॉमन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कंडीशन आपने सुना बच्चों, हाइड्रोसिफिलिस, और हाइड्रोसिफिलिस आपने देखा होगा कि अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द सीएसएफ इन टू द इंट्राक्रेनियल स्पेस, और कॉमनली ये न्यूबॉर्न में बच्चों में फाइंड आउट होता है। बट कभी ये सोचा कि ये हाइड्रोसिफिलिस कैसे होता है, मेनिनजोसील, मेनिनजो मायोसील, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, सिस्टिका, ये कैसे होता है? ये सारा खेल जो है मदर के थ्रू होता है बच्चे को। इफ मदर शी इज टेकिंग एनी काइंड ऑफ ड्रग्स लाइक टेरेटोजेनिक ड्रग्स, इफ मदर शी इज टेकिंग एल्कोहल, स्मोकिंग है ना, दैट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो सारे खेल क्या करते हैं बच्चे के ऊपर इफेक्ट कॉज करते हैं। और ये प्लेसेंटा से ही ट्रांसफर होता है, ये जो है प्लेसेंटा से ही ट्रांसफर होता है मदर को, मदर के द्वारा बच्चे को ट्रांसफर होता है, बच्चे को कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज को जाती है। तो जब भी हम बात करें कि दैट इज इन्फेक्शन वी कैन से टेरेटोजेनिक। इट्रोजेनिक का मतलब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट यदि कोई इन्फेक्शन कॉज होता, दैट इज इट्रोजेनिक, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये पैरामीटर आपको समझने की जरूरत है। चारों ऑप्शन मैंने आपको मेंशन किया है, इट्रोजेनिक, टेरेटोजेनिक, नोजोकॉमियल, फोमाइट्स। याद रखना नोजोकॉमियल को हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के नाम से प्रोनाउंस करते हैं। व्हेन द पेशेंट विल एडमिटेड इन द हॉस्पिटल देन गेट इन्फेक्शन, दैट कंडीशन वी कैन से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। बच्चों ओके, फाइनेक्स का पूछ रहा है कि मेन कार्बोहाइड्रेट जो है वो एमनियोटिक फ्लूड में कौन सा होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी। थैंक यू रिवा, यू आर माय एनर्जी ऑलवेज व्हेन यू इन द फ्रंट ऑफ मी लाइक इन इनविजिबल वे, बट रियली आई लव यू लॉट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आई गॉट एनर्जी फ्रॉम योर साइड, यू ऑल ऑलवेज बूस्टिंग मी। मेन कार्बोहाइड्रेट पूछा मैंने एमनियोटिक फ्लूड में। देखिए कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे कैटेगरीज होता है ना, बट मैंने मेन कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछा, जैसे मैंने लिखा है क्या ग्लूकोज होगा, क्या फ्रक्टोज होगा, क्या लैक्टोज होगा, क्या माल्टोज होगा, चारों ही सब कैटेगरीज है कार्बोहाइड्रेट का। कंपटीशन वाले बदमाशी क्या करते हैं, इन चारों में से एक का नाम पूछ लिया, चारों में से एक का नाम पूछ लिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की इन चारों में से वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो एमनियोटिक फूड में मेन कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट होता, मेन कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट होता माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्विक आंसर, क्विक आंसर, विच इज द राइट आंसर बच्चों, ग्लूकोज आप लिख रहे हैं, बिकॉज सबको पता है ग्लूकोज वर्ड इजी टू कैरी है, सब जगह ग्लूकोज होता है। शुक्रिया पूजा पाल, आपने ए आंसर लिखा है, आपने ए आंसर लिखा। मैं आपको पूरा कंपोजिशन बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन तो कहीं से भी बनेगा, बट आपके पास आंसर होना चाहिए, आपके पास आंसर होना चाहिए मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ए आपने लिखा, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। देखिए एग्जैक्टली क्या कहानी क्या है, इस कहानी को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं इस इमेज के द्वारा। देखिए मैंने कंपोजिशन मेंशन किया है, नॉर्मली एमनियोटिक फ्लूड में कौन होता है, नॉर्मली आपके एमनियोटिक फ्लूड में कौन कौन होता है। वाटर हमेशा सबसे ज्यादा हर कंपोजिशन में होता है। लाइक हम यूरिन की बात करें तो यूरिन में 96% कौन होता है बच्चों, वाटर। हम सलाइवा की बात करें तो 99.5% कौन होता है, वाटर।
मतलब किसी भी सब्सटेंस के कंपोजिशन में सबसे अधिक अमाउंट किसका होता है बच्चों, वाटर को होता है। क्या होता है? वाटर का होता है, मतलब फ्यूचर नथिंग ऑप्शन। सॉलिड 1 to 2% है, उसको भी दो में डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हम बात करें कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत अच्छे से कॉमनली फाइंड आउट होता है, प्रोटीन 0.3 mg% है, टोटल लिपिड 50 mg% है, बट ग्लूकोज जो है ये 20 mg% है बच्चों। उसके अलावा प्रोलेक्टिन है, इंसुलिन है, रेनिन है। देन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस 30%, यूरिक एसिड 4, देन फर्दर जो है यूरिया 30 mg, क्रिएटिनिन 2, बट इनऑर्गेनिक की बात करें तो कंसंट्रेशन में सोडियम क्लोराइड पोटेशियम ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, सेम एज मैटरनल ब्लड। बट क्वेश्चन यही पूछा था मैंने कि कंपोजिशन में सबसे ज्यादा कौन होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो मेरे बच्चों ने आंसर लिखा कि ग्लूकोज। ग्लूकोज बिल्कुल बिल्कुल, हानु सर ने टीच किया, बिल्कुल टीच किया। एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बच्चों, एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का बैच ऑलरेडी चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। एमएनएस का बैच अवेलेबल है, नीट का बैच अवेलेबल है, 11, 12 के एडमिशन अवेलेबल है। तो आज का जो सेशन था थोड़ा शॉर्ट स्वीट था, बट कोशिश की आप तक कुछ नया देने की। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जल्दी मुलाकात करूंगा मेरे बच्चों से कल एक और नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।